रंगों से हो रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले आज मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप में से 10 लाख लोगों ने हमारे इस चैनल यानी गुरु रजनीश ऋषि जी को सब्सक्राइब करके हमें इस अवसर को प्रदान किया है कि हम आज से 10 लाख यानी 1 मिलियन वाले ग्रुप में शामिल हो सकें, और यह भी मात्र एक बहुत छोटी सी अवधि में, यानी कि पिछली जुलाई से लेकर जुलाई 2018 से लेकर आज अगस्त 2019 तक आप में से 9.5 लाख नए लोगों ने हमें हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे प्रति अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। जबकि हमारी जो प्रेजेंस है YouTube पर वो पिछले 10 सालों से है, लेकिन हम वहां पर हम उस समय इतना एक्टिवेट नहीं थे, केवल हमारे अपने टीवी प्रोग्राम्स को जो हमने विभिन्न टीवी प्रोग्राम्स या विभिन्न जो स्टेज शो थे उन प्रोग्रामों की वीडियो बनाकर या गाए बगाए कभी किसी फंक्शन की वीडियो बनाकर हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया करते थे। किंतु पिछली जुलाई 2018 से हमने थोड़ा एक्टिवेट हुए इस यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों के उत्साह ने, आप लोगों की हमारे प्रति प्यार ने आज इस संख्या को 10 लाख यानी 1 मिलियन तक पहुंचा दिया है। उस सब के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस संख्या बल को, जो आप लोग जो 10 लाख की संख्या में हमसे जुड़े हुए हैं, उस संख्या बल को शीघ्रता शीघ्र 50 लाख तक की संख्या में आपके विश्वास की बदौलत, आपके सनातन हिंदू धर्म में आस्था की बदौलत और हमारे प्रति आपके प्यार की बदौलत और आपकी शुभकामनाओं की बदौलत इस मुकाम को भी शीघ्रता शीघ्र हासिल करने में समर्थ रहूंगा। और आप सभी लोगों से यहाँ एक बार मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को यानी गुरु रजनीश ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शीघ्रता शीघ्र सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि उनको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी शीघ्रता शीघ्र प्राप्त हो सके। एक बार पुनः आप सभी लोगों के स्नेह के लिए, प्यार के लिए, शुभकामनाओं के लिए, जिसकी बदौलत हम 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल बन सके, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस सप्ताह का राशिफल लेकर, राशिफल सनातन हिंदू धर्म और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले परम पिता परमात्मा और नवग्रह देवताओं की मर्जी के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे द्वारा जीवन में किए जा रहे विभिन्न अच्छे और बुरे कर्मों का जो फल है, वह नवग्रह देवताओं द्वारा हमारी जन्म कुंडली के अलग अलग स्थानों में बैठकर हमें दर्शाया जाता है, और हमें उसी के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रदान किया जाता है। तो इन्हीं कर्मों के आधार पर ये नवग्रह देवता आपकी जन्म कुंडली में इस सप्ताह क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, क्या कष्ट प्रदान करने जा रहे हैं, या आपकी किस्मत को किस प्रकार चमकाने जा रहे हैं, उस सब के लिए आप आखिर तक हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। तो जानते हैं इस सप्ताह किस किस की लगेगी लॉटरी, किस किस की होगी बत्ती गुल, क्या मिलेगा आपको,
जो कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल। प्रिय भक्तगणों, अब मैं राशिफल बताने से पहले आप सब लोग अपनी राशि के बारे में जान लें कि आपकी असलियत में राशि क्या है। राशि जो देखी जाती है वह आपकी जन्म कुंडली की जो राशि होती है, या तो उसको देखा जाता है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, और तो वह लोग अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चार्ट में अपनी राशि देख लें कि आपकी राशि क्या है, उस राशि के अनुसार या जन्म कुंडली में दी गई राशि के अनुसार अगर आप अपनी राशिफल जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप इस चार्ट के द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आपके कौन से लोग मित्र हो सकते हैं, अगर आपके जो मित्र हैं उनके नाम के अक्षर क्या क्या होंगे, या जो शत्रु हैं उस राशि के अनुसार तो उनके नाम के अक्षर क्या होंगे, या कोई शुभ अक्षर अगर आपको चाहिए तो वो शुभ अक्षर आपके लिए क्या होगा। तो राशि के अनुसार ही आप अपने जो मित्र हैं उनके राशि का नाम जान सकते हैं, नाम का पहला अक्षर जान सकते हैं, जो आपके शत्रु हैं उनके नाम का पहला अक्षर जान सकते हैं, और जो आपके लिए लक्की नाम है मतलब आप कोई संतान का नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ अक्षर क्या होगा, या किसी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ अक्षर क्या होगा, राशि के हिसाब से यह सब आप जान सकते हैं। तो आप इस चार्ट में अपनी मित्र अक्षर, शत्रु अक्षर और आपके शुभ अक्षर जो आपके लिए शुभ है उनके बारे में अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना, आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से उनके लिए आमदनी की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। मनोबल में वृद्धि रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि खर्चे जो जरूरत से ज्यादा होंगे वो आपको विचलित कर सकते हैं, थोड़ा सा सरकारी खर्चे भी बढ़ सकते हैं, यानी बिल वगैरह के ज्यादा आने की संभावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पितृपक्ष के लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं उनके साथ संबंधों में मधुरता लाने की बात करूंगा, थोड़ा मधुरता पूर्वक संबंध व्यतीत करें उनके साथ। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अपनी आत्मिक बल के कारण आप उन उतार चढ़ाव पर आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित कुछ कार्य करने की संभावना अगर बना रहे हैं तो उसे रोक दीजिए, फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दें। जहां तक बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई लिखाई के प्रति जो उनका लगाव है उसमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, लेकिन आप उन अड़चनों को पार करते हुए निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में और उन्नति करते जाएंगे। जो भी आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपके काम आने वाला है, तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर ही रखें। अगर कोई भी परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यानी कि आपका मन नहीं लगता है, आपको याद नहीं होता है, तो इस ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप बिना किसी झिझक के हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रेमी युगल हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करके अपने प्रेम संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं, लेकिन क्रोध पर काबू रखें, अननेसेसरी कोई परेशानी ना खड़ी हो। जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के मसले के लिए अच्छा समय है, सदुपयोग करें, थोड़ी सी आउटिंग के लिए जाएं अपने जीवन साथी को लेकर, छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी इस समय में। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य के लिए समय थोड़ा सा 19-20 कर रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का प्लान बनाते हैं तो बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन
और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा। जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। कार्यस्थल पर या व्यापार स्थल पर सहयोगियों के साथ कोई अड़चन आ सकती है, विवेक से निर्णय लें और उन अड़चनों को दूर करने का पूरा प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। आमदनी में स्पष्ट रूप से वृद्धि दृष्टि गोचर हो रही है, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन सोच समझ कर की गई इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेगी। खर्चे बड़े चढ़े होने की वजह से थोड़ा सा उलझन हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कन्या राशि वाले लोगों से खास कहना चाहूंगा, आप अपने भाग्य को निश्चित रूप से प्रबल बनाकर रखिए, अपने आप को प्रबल बनाकर रखिए, क्योंकि आप मानसिक रूप से हमेशा कमजोर होते हैं। आपकी जो आदतें हैं या आपका शरीर है वो कन्याओं के समान कोमल और मुलायम होता है, चाहे वो आपका मन हो चाहे आपका शरीर हो, नॉर्मली जो देखा गया है वो इसी प्रकार का होता है लग्न के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने आप को बल प्रदान करने के लिए सदैव आप अपने राशि से संबंधित एक रत्न धारण करें, जिससे आपकी आयु में और मानसिक बल में सदैव वृद्धि होगी और भाग्य की वजह से, भाग्य की प्रबलता की वजह से आप अपने भाग्य में जो आपके परमपिता परमात्मा ने लिख के भेजा है वो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति उसमें अड़चन खलल डालेगा तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि आज जब हम जीवन के पथ पर चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों से ज्यादा हमारे दुश्मनों की गिनती हो जाती है किसी न किसी कारण से। तो यहाँ आप अपने इन दो रत्नों की अंगूठियों को जीवन भर, हर 3 वर्ष बाद असली रत्न की अंगूठी को और उप रत्न की अंगूठी को हर 1 वर्ष बाद नया बनवाकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत करवाकर किसी योग विद्वान व्यक्ति से जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध किया हुआ हो उनसे लेकर पहने, निश्चित रूप से आपके जीवन में काफी उन्नति प्रदान कराने में समर्थ होंगे ये रत्न की अंगूठियां। जब भी आप महसूस करें कि आप प्रगति के पथ पर रुक गए हैं और अधिक उन्नति नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से, तो आपको तुरंत अपनी अंगूठियों को उसी समय पुनः बदल देना चाहिए और नई अंगूठी बनवाकर दत्तु पुनः धारण करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रतन की अंगूठी पहननी पड़ेगी, लेकिन यह रतन की जो अंगूठी या अंगूठियां है वह प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए, तभी वह अंगूठियां आपको फायदा देने में समर्थ होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बोला कि ये अंगूठियां पहननी है, आप दौड़कर सुनार की दुकान पर जाते हैं, वहां से अंगूठी बनवाकर पहन लेते हैं, फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी और इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने वाले जो विद्वान हैं, आप समझ लीजिए उनकी जो गणना है, जो उनकी गिनती है, वो 1000 में से मुश्किल से 5 लोग, जो चाहे वो मंदिर में बैठने वाले हों या कोई आचार्य हों या कोई शास्त्री जी हों, उनकी गणना जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है, वही व्यक्ति इन अंगूठियों को प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम होते हैं। तो आप जब भी कोई रत्नों की अंगूठी अपने भाग्य के वर्धन के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बनवाएं, तो आप
किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति से ही उसे जागृत मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप बिना किसी झिझक के नीचे स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपने लिए किसी भी प्रकार के रत्न की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड कराकर अंगूठी हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठी बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर पर मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या आप स्वयं यहां आकर यानी शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। Ihre Fühlung gelehrt, mein Name in South Africa as referee, and actually I'm here at the very powerful temple. I call it the powerful temple because of what I have experienced. Little did I not know that I will find myself in India. Something that made me know that this is real. And I don't know if the Guru knows. He mentioned that there's a high possibility in your chart that you can have problems with legal, with government problems. At the same time, I'm having attacks from my own government that I'm young, I'm making money. I said, whoa, this is incredible. You see, I'm the best-selling author in Africa. As you can see here, I'm the only forex trader in Africa who has an award, two awards, the best forex trader and the best institution. So for me to come here, then you must know. I just gave a very simple difference right now. And saying that I've visited so many temples, I did not even hear one successful guru chanting a mantra from the head. So that thing, that little thing for me, it said to me, number one, this person is genuine. And I saw Mataji, I call her Mataji, she's my mother, I'm in a spiritual. I saw her reciting mantras in another level. I thought maybe there's something weird. And I saw her closing her eyes. That for me, that little thing is said to me, she's dreaming. So I'll just give you a mantra that I learned from the guru. my two gurus, Mataji and my father. Let me just give you this mantra called the Gayatri Mantra. So I will just sing it for you. Om Guru Bhurva Svaha Dasavitu Vare Niyam Bargo Devasya Dimai Diyoyona Prajurayat. I'm done. Thank you guys. See you soon. Thank you. कन्या राशि वाले लोगों, मैं यहाँ की ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए आपको 5 में से 2 स्टार देता हूँ इस सप्ताह के लिए। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।